बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा कॉर्न्स। और अगर आप इनको अपनी इफ्तार पार्टी में बनाएंगे तो बिलीव मी लोग इसको बहुत पसंद करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी के बारे में ज़रूर पूछेंगे। आइए चलते हैं और जल्दी से बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा कॉर्न्स की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो पिज़्ज़ा कॉर्न्स बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने इसकी डो को रेडी कर लेना है, जिससे हम इसकी शीट्स बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में 2 कप के जितना मैदा ले लिया है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 चाय के चम्मच के जितना हमने इसमें ऑयल शामिल कर देना है। और पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, ये देखिए यहाँ पे हमने मैदा, नमक और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा क्रम्बली हो चुका है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसकी एक स्मूथ डो रेडी कर लेंगे। डो ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने कॉर्न्स के लिए, बारबेक्यू पिज़्ज़ा कॉर्न्स के लिए डो को रेडी कर लिया है। अभी हम इसको कवर कर देंगे कपड़े की मदद से और इसको हम लोगों ने रख देना है। तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो फिलिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पैन में शामिल कर देना है 2 खाने के चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल, और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 1 चाय के चम्मच के जितना ज़ीरा शामिल कर देना है, और 1 चाय का चम्मच ही हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। और यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट फ्राई कर लेने के बाद अभी हमने इसमें 500 ग्राम के जितना बोनलेस चिकन शामिल कर देना है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। और चिकन शामिल करने के बाद हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि चिकन का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे 3 से 4 मिनट के बाद। तो यहाँ पे चिकन को हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, कुक कर लिया है। अभी हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें 1/4 चाय का चम्मच के जितनी हल्दी शामिल कर देनी है, और 1 चाय का चम्मच हमने इसमें रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है, और 2 चाय के चम्मच हमने इसमें चिकन टिक्का मसाला शामिल कर देना है, और 1 चाय का चम्मच हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है, नमक हसबे ज़रूरत शामिल कर देना है। तो यहाँ पे तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है, ताकि स्पाइसेस भी अच्छे से कुक हो जाएं और जो इसमें पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लिया है। चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल भी चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हमने इसमें एक छोटी प्याज जो है वो क्यूब कट करके वो शामिल कर देनी है। आप अपनी मर्जी से कटिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको जूलियन कट भी कर सकते हैं, क्यूब कट भी कर सकते हैं। और इसी तरह हमने इसमें 1 अदद शिमला मिर्च शामिल कर देनी है। छोटी शिमला मिर्च थी जिसको भी मैंने क्यूब कट कर लिया था। और हसबे ज़रूरत हम इसमें स्वीट कॉर्न शामिल करेंगे, और हसबे ज़रूरत ही हम इसमें ब्लैक ऑलिव यानी कि जैतून शामिल करेंगे। आप अपनी मर्जी की कोई सी मज़ीद इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स शामिल करने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, जस्ट हम इसको मिक्स करेंगे। और अभी हम इसकी फ्लेम बंद करेंगे और इसको किसी भी एक बाउल में या प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, ये देखिए यहाँ पे हमने जो फिलिंग रेडी की थी वो ठंडी हो चुकी है। अभी इसको कोयले का धुआं देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एल्युमिनियम फॉइल की छोटी सी कटोरी बना ली है, और इसके ऊपर हमने जलता हुआ कोयला रख देना है, और इसके ऊपर हमने 2 से 3 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के शामिल करने हैं, और इसको हमने कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो अगर आपको बारबेक्यू फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे एक कोयले का धुआं हमने चिकन को दे दिया है। अभी हम कोयले को निकाल देंगे और यहाँ पे अभी हमने इसमें आधा कप के जितनी मायोनीज शामिल कर देनी है। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें हसबे ज़रूरत मोजरेला चीज़ शामिल कर देनी है। मैं यहाँ पे कम से कम जो है वो 300 से 350 ग्राम शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है या आपके पास थोड़ी क्वांटिटी में है तो आप जितनी चाहें उतनी इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मायोनीज और चीज़ शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम इसकी शीट्स तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने जो डो बनाई थी उसको हमने रोल कर लेना है। और सबसे पहले हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, कट कर लेना है। और अभी यहाँ पे हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। और यहाँ पे हम पेड़ा लेके या एक डो बॉल लेके हमने इसको बिल्कुल बारीक जो है वो रोल कर लेना है रोलिंग पिन की मदद से। जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ही ज़्यादा आपने इसको बारीक रोल कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक जो है वो रोल कर लिया है। अभी हम इसको तवे पे डालेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, जस्ट हमने 15 से 20 सेकेंड्स के लिए एक साइड से और 15 से 20 सेकेंड के लिए ही दूसरी साइड से हमने इसको कुक कर लेना है, क्योंकि बाद में हमने इनको फ्राई भी करना है। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमने शीट को इतना ही कुक करना है। अभी हम इसको उतार लेंगे और कपड़े की मदद से कवर कर देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे। और इसी तरह हमने सारी शीट्स रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए जी यहाँ पे अभी हम इसका एक पेस्ट या स्लरी बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल में आधा कप के जितना मैदा ले लिया है और इसमें हम हसबे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे और इसका एक अच्छा सा घोल बना लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका जो घोल है या स्लरी है वो तैयार कर ली है। और अभी हम इसमें एक फिंगर डिप करेंगे और ये जो हमने बैटर बनाया है, घोल बनाया है, ये इस तरह फिंगर के ऊपर ठहर जाना चाहिए। अगर ये आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे, थिक लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा रनी लगे, पतला लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल करके इसको बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमने सारी शीट्स बना ली थी। अभी हम इसको सेंटर से कट करेंगे। और सेंटर से कट करने के बाद अभी हमने इसकी कोन बनानी है। तो यहाँ पे जो हमने मैदे का पेस्ट बनाया था वो थोड़ा सा हमने इसके सेंटर में लगा लेना है। और इस तरह यहाँ से हमने इसको गोल रोल करते हुए हमने इसकी एक कोन तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे एंड पे जो बच जाएगा थोड़ा सा पार्ट, हमने यहाँ पे भी वो मैदे का पेस्ट या घोल जो बनाया था वो लगा देना है और इसको अच्छी तरह से हमने जोड़ देना है। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमारी कोन जो है वो बन चुकी है। अभी हम इसमें फिलिंग फिल करेंगे। तो हसबे ज़रूरत जितनी फिलिंग इसमें आ सकती है उतनी ही फिलिंग इसमें आप फिल कीजिएगा। तो ये देखिए जी यहाँ पे फिलिंग फिल कर लेने के बाद अभी हमने जो मैदे का पेस्ट बनाया था उसमें इसको इस तरह करके डिप कर देना है। और इसके बाद इसको हमने कोट करना है ब्रेड क्रम्स में। तो ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह हम इसको कोट कर लेंगे। तो ये एक पिज़्ज़ा कॉर्न हमारी बन के रेडी है। इसी तरह हमने सारी पिज़्ज़ा कॉर्न्स रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमारी तमाम चिकन बारबेक्यू पिज़्ज़ा कॉर्न्स बन के बिल्कुल रेडी हैं। और आप इनको इस स्टेज पे फ्रीज भी कर सकते हैं एक हफ्ते के लिए बहुत आराम के साथ। तो आप इनको किसी भी ज़िप्लॉक बैग में डालिए और इसको फ्रीज कर दीजिए फ्रीज़र में। तो यहाँ पे अभी हम इनको करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने एक पैन में ऑयल को गरम कर लिया है और इस गरम ऑयल में हमने ये कॉर्न्स डालते जाना है और इनको हमने मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड भी चेंज कर देंगे ताकि ये हर साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा कॉर्न्स को फ्राई करके निकाल लिया था। और अभी हम आपको ये एक तोड़ के भी चेक करवाते हैं। तो ये देखिए जी अंदर से ये बिल्कुल चीज़ी है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा कॉर्न्स की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और ऑथेंटिक बीफ यखनी पुलाव। तो आइए चलते हैं और जल्दी से बिना कोई देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो बीफ पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने बीफ को भी कुक करना है और इसकी यखनी भी बना लेनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है और सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 किलो बीफ। और यहाँ पे मैंने जो है वो मिक्स बीफ लिया है, हड्डी वाला भी लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 1 अदद जो है वो बड़ा लहसुन का जवा शामिल कर देना है। और इसको मैंने लेके अच्छी तरह से वॉश किया और वॉश करके सेंटर से हाफ कट करके हमने इसको इसमें डाल देना है। 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज हैं, इनको छील कर तो 2 हिस्सों में काट कर ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें सौंफ यानी कि फेनल सीड शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें साबुत धनिया शामिल करेंगे और 2 लीटर के जितना पानी हमने इसमें शामिल कर देना है।
और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 2 खाने के चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल या घी शामिल कर देना है। इससे क्या होगा कि जब इसमें उबाल आएगा तो पानी जो है वो प्रेशर कुकर से बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। और यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे, और बंद करके हमने इसको अच्छी तरह से गला लेना है कि गोश्त हमारा गल जाए और बीफ की जो अच्छी सी यखनी तैयार हो जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे हम लोग तकरीबन 20 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो बीफ है वो अच्छे से कुक हो चुका है, गल चुका है और यखनी भी अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ पे गोश्त को अलहदा कर लेंगे और जो यखनी है उसको हम लोग अलहदा कर लेंगे। और इसमें हम लोगों ने जो साबुत लहसुन और प्याज शामिल किया था और इसमें साबुत मसाले जो शामिल किए थे उनको हम लोगों ने डिस्कार्ड कर देना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने गोश्त को अलहदा कर लिया है और यखनी को हमने अलहदा कर लिया है। और देखिए गोश्त हमारा कितना अच्छे से गल चुका हुआ है। और यहाँ पे अभी हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल कर देंगे 1 कप के जितना कुकिंग ऑयल। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने एक मीडियम प्याज को स्लाइस में कट करके वो शामिल कर देनी है। और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको हल्का ब्राउन कर लेना है, हमने इसको बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे प्याज जो है वो हल्का ब्राउन हो चुका है। और अभी हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और यहाँ पे इसके साथ ही हमने इसमें बॉईल किया हुआ बीफ शामिल कर देना है। और बीफ शामिल करने के बाद हमने मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बीफ को, गोश्त को अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें 6 से 7 अदद खुश्क आलू बुखारे शामिल करेंगे। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको आलू बुखारे पसंद नहीं है, वैसे भी पुलाव में नहीं जाते, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 12 से 15 अदद हमने इसमें साबुत गोल लाल मिर्चें शामिल कर देनी है। और 1 खाने के चम्मच के जितना हम इसमें शामिल करेंगे शाह जीरा या काला जीरा। अगर आपके पास नहीं है तो आप सफ़ेद जीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 1 खाने के चम्मच के जितना हम मज़ीद इसमें नमक शामिल करेंगे। और यहाँ पे अभी हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बीफ को मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी। 1 किलो मेरे पास चावल है तो मैं इसमें 1.5 किलो के जितनी यखनी शामिल करूँगा। सारी यखनी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। और यहाँ पे यखनी शामिल करके हम इसको कुक होने देंगे कि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे यखनी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी हम इसमें भीगे हुए 1 किलो चावल शामिल कर देंगे। और चावल शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करके हमने हाई फ्लेम पे इसको कवर किए बगैर ही पकने देना है, कुक होने देना है, ताकि इसमें जितना भी पानी है, यखनी है, वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे पुलाव में जो यखनी थी, पानी था, वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको दम पे रखेंगे। तो कोई भी एक गीला कपड़ा लेके हम उसकी मदद से इसको कवर करेंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो दम पे रख देना है, ताकि हमारे जो चावल कच्चे थे वो अच्छे से कुक हो जाएं, गल जाएं। मिलते हैं फिर आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पे चावलों को दम पे रखे हुए 20 मिनट हो चुके थे। अभी हम इसका दम खोलेंगे। और ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो ऑथेंटिक बीफ यखनी पुलाव है वो बन के बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए, चावल हमारे बहुत अच्छे से माशाल्लाह गल चुके हैं, कुक हो चुके हैं। तो अभी हम इसको करते हैं साइड पे और 15 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव को हमने कुक कर लिया था और इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए रख लिया था। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त खुशबूदार सा हमारा जो है वो बिल्कुल सादा सा पुलाव, बीफ पुलाव बन के बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये बिल्कुल सादी सी, बहुत ही मज़ेदार सी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ शादियों वाले ऑथेंटिक वाइट कौरमे की रेसिपी शेयर करूंगा, क्योंकि अमूमन जब हम लोग शादियों पे खाना खाते हैं तो उनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन जब हम लोग उसको घर में ट्राई करते हैं तो बिल्कुल भी वैसा टेस्ट नहीं निकल के आता। तो आइए चलते हैं और जल्दी से शादियों वाला वाइट चिकन कौरमा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वाइट चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुछ चीज़ों को बॉयल करके ब्लेंड करके पेस्ट बना लेना है। तो इसके लिए मैंने पैन में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे सबसे पहले हमने इसमें 3 अदद बड़े प्याज को मोटा मोटा कट करके शामिल कर देना है, 6 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, 2 टुकड़े अदरक के शामिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमने अगर मोटे वाले लहसुन के जवे हैं तो आप 10 से 12 अदद ले लीजिएगा, मेरे पास ये छोटे वाले हैं तो मैं 25 से 30 अदद ले रहा हूँ। और यहाँ पे हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको बॉयल होने देते हैं और आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने प्याज अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को 10 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है। अभी यहाँ पे हमने इसको ड्रेन कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने प्याज अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को डाल देना है एक ब्लेंडर जग में और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देना है 1 कप के जितना पानी और यहाँ पे पानी शामिल करके हमने इनको अच्छी तरह से ब्लेंड करके इनका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने प्याज अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे अभी करते हैं इसको साइड पे और यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल कर देंगे 1.5 किलो के जितना चिकन और चिकन शामिल करने के बाद हमने इसमें प्याज अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट बना के रखा था वो शामिल कर देना है। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे साबुत गर्म मसाला जिसमें हमारे पास है 8 अदद सब्ज़ इलायची, 4 अदद काली इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 अदद लौंग और 1 चाय का चम्मच हमने इसमें शामिल कर देना है साबुत काली मिर्चें, 6 अदद हमने इसमें खुश्क आलू बुखारे शामिल कर देने हैं, 1 खाने का चम्मच या हसब ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, 2 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच हम इसमें मोटी कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और 1 कप के जितना हमने इसमें शामिल कर देना है दही। और 1 कप के जितना हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे अभी हम इसको करेंगे कवर और कवर करके हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए कुक कर लेना है और बीच में हमने 2-3 मरतबा चम्मच से भी इसको मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे इसको कुक होने देते हैं और मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे वाइट चिकन कोरमे को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से कुक हो रहा है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और यहाँ पे अभी हम इसको कवर किए बगैर ही मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है ये भी खुश्क हो जाए और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो जाए। और यहाँ पे कोरमे को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट के बाद यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच हमने इसमें मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल करना है। तो यहाँ पे आप भी मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया ही शामिल कीजिएगा, धनिया पाउडर मत शामिल कीजिएगा वरना वो टेस्ट और टेक्स्चर ही नहीं आएगा। और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स और मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करना है और कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और जो हमने इसमें ज़ीरा और खुश्क धनिया शामिल किया है उसका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर हमारे वाइट चिकन कोरमे में आ जाए। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद।
तो ये देखिए जी, यहाँ पे माशाल्लाह हमारा वाइट चिकन कोरमा बहुत अच्छे से कुक हो रहा है, और माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें। और अभी इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल कर देनी है 10 अदद साबुत गोल लाल मिर्चें, और इसके बाद हमने इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच टेट्रा पैक क्रीम शामिल कर देनी है, और क्रीम शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो मिलते हैं फिर आपसे 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा वाइट चिकन कोरमा जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है, और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही कम टाइम में और एक बहुत ही कम पैसों में बनने वाला डिज़र्ट, ब्रेड मलाई डिज़र्ट। तो इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ब्रेड मलाई डिज़र्ट को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो ब्रेड मलाई डिज़र्ट बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसका कस्टर्ड तैयार करेंगे, और कस्टर्ड तैयार करने के लिए हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल करेंगे 2 कप दूध, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 5 खाने के चम्मच चीनी। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे चीनी शामिल करने के बाद अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है कि चीनी दूध में अच्छी तरह से हल हो जाए और दूध में एक अच्छा सा उबाल आ जाए। तो जब तक यहाँ पे दूध में उबाल आता है, हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच सकें। तो जब तक यहाँ पे दूध में उबाल आता है, हम इसका जो कस्टर्ड का मिक्सचर है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 1/2 कप के जितना दूध, और इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर। आपको कस्टर्ड का जो सा फ्लेवर पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कस्टर्ड पाउडर नहीं मिलता तो आप इसमें सिंपल 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर या अरारोट के शामिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो ये हमारी कस्टर्ड की जो स्लरी है या मिक्सचर है ये रेडी हो गया है, और यहाँ पे दूध में भी उबाल आ चुका है। तो अभी हमने जो दूध और कस्टर्ड पाउडर का एक मिक्सचर तैयार किया था वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम इस कस्टर्ड को मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये जो कस्टर्ड है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे हमने इस कस्टर्ड को मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने कस्टर्ड को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया है, और हमें इसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। तो अभी हम इसकी फ्लेम करते हैं बंद और इसको हम लोग थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे, और फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच टेट्रा पैक क्रीम ली है। अगर आपके पास घर की बलाई है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे हम क्रीम में शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच मिल्क पाउडर, और 1 खाने का चम्मच ही हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। और यहाँ पे हम क्रीम, खुश्क दूध और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम 6 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, और इन स्लाइसेस के जो किनारे हैं इनको हम छुरी की मदद से काट लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम एक ब्रेड स्लाइस उठाएंगे, और इसके ऊपर ये जो हम लोगों ने क्रीम का मिक्सचर बनाया था ये अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे। और ये मिक्सचर अप्लाई करने के बाद अब हम एक दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसको इसके साथ लगा के एक सैंडविच सी बना लेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने जो
क्रीम का मिक्सचर लगाने के बाद ब्रेड स्लाइसेस रेडी किए थे। अभी हम इनको इस तरह करके कट कर लेंगे। पहले डायगनली हम इनको दो हिस्सों में कट करेंगे और फिर दोबारा से इसी को हम चार हिस्सों में कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये पीसीस कट कर लिए हैं, इनको करते हैं साइड पे। और अभी ये जो मेरे पास क्रीम का थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था, इसी में हम लोग जो है वो आधा कप दूध शामिल करेंगे। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच चीनी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम एक जो ब्रेड तैयार किए थे उसका स्लाइस उठाएंगे और इसको दूध में अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अभी हमने प्लेट में इन ब्रेड स्लाइसेस को जो सो किया था उनको अरेंज कर लिया है और अभी इसके ऊपर हम डालेंगे तैयार किया हुआ कस्टर्ड। तो यहाँ पे अभी हम इन ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर जो कस्टर्ड हम लोगों ने तैयार किया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसीलिए आपने कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा गाढ़ा या थिक नहीं रखना, आपने इसको थोड़ा सा पतला या लिक्विड ही रखना है। तो यहाँ पे अभी हम इस ब्रेड मलाई डिज़र्ट को गार्निश करेंगे स्लाइस में कटे हुए पिस्ते के साथ। तो आप गार्निश के लिए किसी भी चीज़ का, किसी भी ड्राई फ्रूट का या किसी भी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारा ब्रेड मलाई डिज़र्ट बना है ये कितना सॉफ्ट, कितना नरम और कितना क्रीमी बना है। तो ये देखें ये ब्रेड मलाई डिज़र्ट कितना अच्छा बना है, कितना ही मज़े का और यमी सा क्रीमी सा बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपके मेहमान आते हैं तो आप उनको खिलाइएगा। बिलीव मी, वो हमेशा जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो डिमांड करके आपसे ये वाला डिज़र्ट बनवाएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।